दुनिया के बहुचर्चित पनामा पेपर्स मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय दिल्ली के लोकनायक भवन में ईडी के सामने पेश होंगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली है। दरअसल पनामा पेपर्स में भारत के करीब 500 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी। इनमें नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, हर वर्ग के प्रमुख लोगों के नाम हैं। इन लोगों पर टैक्स की हेराफेरी का आरोप है, जिसको लेकर टैक्स अथॉरिटी जांच में जुटी है। पनामा पेपर्स मामले की लंबे समय से जांच चल रही है। ईडी के अधिकारी देश के कई बड़ी हस्तियों को जांच में शामिल कर चुके हैं। इसी कड़ी में एक महीने पहले अभिषेक बच्चन भी ईडी कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कि वे कुछ दस्तावेज भी ईडी अधिकारियों को सौंप चुके हैं। ईडी सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में उनके पिता अमिताभ बच्चन को भी ईडी नोटिस देकर बुलाने वाली है। साल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म में 1 करोड़ टैक्स डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। इसमें दुनिया भर के बड़े नेताओं, कारोबारियों और बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए थे। भारत की बात करें तो करीब 500 लोगों के नाम इसमें सामने आए थे। इसमें बच्चन परिवार का नाम भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। इनमें से 3 बहामास में थी, जबकि 1 वर्जिन आइलैंड्स में थी। इन्हें 1993 में बनाया गया था। इन कंपनियों की कैपिटल 5,000 से $50,000 के बीच थी, लेकिन ये कंपनियां उन शिप्स का कारोबार कर रही थी जिनकी कीमत करोड़ों में थी। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय को पहले एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था, बाद में उन्हें कंपनी का शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दिया गया था। कंपनी का नाम अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड था। इसका हेडक्वार्टर वर्जिन आइलैंड्स में था। ऐश्वर्या के अलावा पिता के राय, माँ वृंदा, भाई आदित्य राय भी कंपनी के पार्टनर थे। ये कंपनी 2005 में बनाई गई, 3 साल बाद यानी 2008 में ये कंपनी बंद हो गई थी। अब जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दुनिया के बहुचर्चित पनामा पेपर्स मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय दिल्ली के लोकनायक भवन में ईडी के सामने पेश होंगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली है। दरअसल पनामा पेपर्स में भारत के करीब 500 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी। इनमें नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, हर वर्ग के प्रमुख लोगों के नाम हैं। इन लोगों पर टैक्स की हेराफेरी का आरोप है, जिसको लेकर टैक्स अथॉरिटी जांच में जुटी है। पनामा पेपर्स मामले की लंबे समय से जांच चल रही है। ईडी के अधिकारी देश के कई बड़ी हस्तियों को जांच में शामिल कर चुके हैं। इसी कड़ी में एक महीने पहले अभिषेक बच्चन भी ईडी कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कि वे कुछ दस्तावेज भी ईडी अधिकारियों को सौंप चुके हैं। ईडी सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में उनके पिता अमिताभ बच्चन को भी ईडी नोटिस देकर बुलाने वाली है। साल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म में 1 करोड़ टैक्स डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। इसमें दुनिया भर के बड़े नेताओं, कारोबारियों और बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए थे। भारत की बात करें तो करीब 500 लोगों के नाम इसमें सामने आए थे। इसमें बच्चन परिवार का नाम भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। इनमें से 3 बहामास में थी, जबकि 1 वर्जिन आइलैंड्स में थी। इन्हें 1993 में बनाया गया था। इन कंपनियों की कैपिटल 5,000 से $50,000 के बीच थी, लेकिन ये कंपनियां उन शिप्स का कारोबार कर रही थी जिनकी कीमत करोड़ों में थी। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय को पहले एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था, बाद में उन्हें कंपनी का शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दिया गया था। कंपनी का नाम अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड था। इसका हेडक्वार्टर वर्जिन आइलैंड्स में था। ऐश्वर्या के अलावा पिता के राय, माँ वृंदा, भाई आदित्य राय भी कंपनी के पार्टनर थे। ये कंपनी 2005 में बनाई गई, 3 साल बाद यानी 2008 में ये कंपनी बंद हो गई थी। अब जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज, तुरंत समाधान, A to Z समस्याओं का घर बैठे समाधान, 72 शक्तियों के माहिर, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड फेमस बाबा सुल्तान बंगाली, स्पेशलिस्ट ग्रह कलेश, नौकरी प्रमोशन, कारोबार में रुकावट, विवाह में रुकावट, संतानहीनता, तलाक, कोर्ट के सौतन, दुश्मन से छुटकारा, वशीकरण, मुटकरणी, सारी जगहों से निराश हो तो जल्द संपर्क करो वर्ल्ड फेमस बाबा सुल्तान बंगाली। बाबा सुल्तान बंगाली 7230999170।